फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, जहां होगा एक धर्म एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम कहलाएगा। सुख शांति चैन और अमन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा, पूरे विश्व में लहराएगा। स्वर्ग धरा पर उतर आएगा मेरा भारत स्वर्णिम महान कहलाएगा, स्वर्णिम भारत महान कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से इस सोने की चिड़िया को दाना नहीं डाला जाता था, बल्कि जहर परोसा जाता था। इतिहास गवाह है, कई शासकों ने इसे लूटा है, भारत कई हिस्सों में टूटा है। एक ऐसे ही शासक की कहानी अब सुनिए मेरी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। वेलकम टू अड्डा 24/7 IAS, इंडियाज लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां भी मन आपका आता है, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन जरूर हमें व्यक्त करें, जरूर हमें बताइए। अच्छा, एक सवाल है, आखिर चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये तो आखिर कमेंट करके बता ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को, एक बार पुनः लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब दुनिया में क्रूरता और तानाशाही की बात की जाती है, तो शायद हमारे जहन में सबसे पहला नाम अडोल्फ हिटलर का ही आता है, है ना? नो डाउट, आना भी चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरी पृथ्वी के 22% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में कत्लेआम बहुत ही आम बात हो चुकी थी। ये जिस शहर में निकल जाया करता था, वहां लाशों का ढेर लग जाता था। चलते फिरते इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्लियों तक की जान नहीं बख्शी जाती थी। महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था। लूटपाट और खून की नदियां बहाने के बाद इस शासक ने अपनी निशानी के तौर पर लोगों के कटे हुए सिरों के ढेर लगाए जाते थे। दोस्तों, ये शासक कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान था, जिसे अंग्रेजी में जंगीज खान कहा जाता है। वो चंगेज खान जिसके खौफ से पूरी दुनिया थर थर कांपती थी। बता दें कि चंगेज खान की सैकड़ों पत्नियां थीं। इन पत्नियों से चंगेज खान के कुल 200 बेटे हुए, जिनमें से कई ने आगे चलकर खुद के साम्राज्य स्थापित कर बड़े बड़े हरम बनाए। इतने बड़े परिवार होने के बावजूद भी चंगेज खान को मौत के समय किसी का भी साथ नसीब नहीं हुआ। आज तक पुख्ता तौर पर यह पता नहीं चल पाया है कि चंगेज खान की कब्र असल में है कहां। मंगोल और विश्व के इतिहास में दर्दनाक छाप छोड़ने वाले चंगेज खान की कब्र से लेकर उसकी मौत की वजह तक हर चीज पर कोई ना कोई विवाद जरूर है। तो आइए चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। चंगेज खान का जन्म 1862 के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास हुआ था। इतिहासकारों का यह मानना है कि चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खून का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉट सा जमा हुआ था। उस समय में माना जाता था कि जिसके भी हाथ में इस तरह का निशान होता है, वो बच्चा बड़ा होकर शासक बनता है। अब कहीं आप अपना दाहिना हाथ मत देखने लगना। चंगेज खान के 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी। इसके अलावा उसके 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज खान हमेशा से ही चंगेज नहीं था, उसका असली नाम तो तेमुजीन था। मंगोल भाषा में तेमुजीन का मतलब लोह कर्मी यानी कि ब्लैक स्मिथ होता है। उसकी माता का नाम होलियन और पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। बता दें
कि येसु जेई ने विरोधी कबीले के महिला होलियन का अपहरण कर उससे विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही येसु जेई की हत्या कर दी गई। इसके बाद तेमुजीन की मां ने सभी बच्चों का लालन पालन बड़ी ही कठिनाई से किया। अब आइए जिक्र करते हैं तेमुजीन यानी चंगेज खान की बोर्ते से शादी का। 12 वर्ष की आयु में तेमुजीन की शादी बोर्ते के साथ हुई। इसके बाद तेमुजीन के विरोधी कबीले ने उन पर हमला बोल दिया और तेमुजीन की पत्नी बोर्ते का अपहरण कर लिया था। उनकी पत्नी को छुड़ाने के लिए तेमुजीन ने अपने पिता के भाई, अपने दोस्त जमू का और भाइयों के साथ समर्थन में अपनी पत्नी बोर्ते को दुश्मनों के चुंगल से छुड़ा लिया। इसके कुछ महीने बाद ही बोर्ते ने अपने पहले बेटे जोची को जन्म दिया। लोगों का ये कहना था कि जोची तेमुजीन का अपना खून नहीं है, लेकिन तेमुजीन ने जोची को अपना बड़ा बेटा होने का संपूर्ण यानी पूरा दर्जा दिया था। हालांकि इसके बाद भी चंगेज खान के अपने बेटों ने ही जोची के खून पर बहुत से सवाल उठाए थे। इसके बाद जमूका और तेमुजीन के बीच मतभेदों के कारण जमूका उनसे अलग हो गई और अपने ही दोस्त के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में तेमुजीन की जीत हुई और वो मंगोल के सभी ट्राइब्स को साथ लाने में कामयाब रहे। तब जाकर 1206 में तेमुजीन को इस कबीले वालों ने चंगेज खान का नाम दिया, जिसका मतलब है सुप्रीम लीडर। यहां से चंगेज खान एक क्रूर, बर्बर और तानाशाह बनने के रास्ते पर निकल पड़ा था। अब आइए जिक्र करते हैं चंगेज खान के दो अलग रूप का। कई लोग चंगेज के नाम में खान लगे होने के कारण उन्हें मुस्लिम बताते हैं, लेकिन वह मुस्लिम नहीं था। हालांकि यह सच है कि किसी दूसरे धर्म के मुकाबले उनका झुकाव इस्लाम की तरफ ज्यादा था, लेकिन चंगेज खान टेंजरिस्ट धर्म को मानता था, जो कि मंगोलिया के प्रमुख धर्मों में से एक था। यहां हमें चंगेज खान के दो बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलते हैं। पहला वो इंसान जो तबाही और बर्बरता करने का एक मौका नहीं छोड़ता था, जिसके सैकड़ों महिलाओं के साथ संबंध थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनका रूप था वो एक रिलीजियस टॉलरेंस का था। अब आप इस चंगेज खान की सोच समझिए या लोगों को अपने साथ रखने और विद्रोह को दबाए रखने की रणनीति, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सच है कि चंगेज खान सभी धर्मों को मानने वाला और किसी भी इंसान पर धर्म परिवर्तन या धार्मिक रोक टोक लगाने वाला शासक बिल्कुल नहीं था। साथ ही चंगेज खान के सैकड़ों महिलाओं से संबंध जरूर थे, लेकिन उसने हमेशा अपनी पहली पत्नी यानी बोर्ते को वो सम्मान दिया जो कि वो उसकी हकदार थी। अब आइए जिक्र करते हैं चाइना पर मंगोलिया का कब्जा। चंगेज खान की रणनीति की अगर बात करें तो उसने अपनी इस जीत में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया था। सबसे अहम जो मुद्दा था वो था यूनिटी का। आपको पता ही होगा कि चंगेज खान को फादर ऑफ मंगोल कहा जाता है, क्योंकि चंगेज खान ही वो ऐसा शख्स है जिसने मंगोल के बिखरे हुए ट्राइब्स को एक साथ लाने का मुश्किल काम पूरा कर दिखाया था। इसके बाद जरूरत थी तो फंड्स की यानी ट्रेड के लिए कुछ आइडिया लगाने की। ऐसे में चंगेज खान ने अपना रुख नॉर्दर्न चाइना की तरफ किया। यहां आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि चीन में इस वक्त दो डायनेस्टी यानी कि जी जिया और जिन डायनेस्टी थी, और चाइना मिलिट्री, फंड्स और एग्रीकल्चर हर तरह से समृद्ध था। यानी कि अगर चंगेज खान चाइना को जीत लेता है तो उनकी आधी से ज्यादा समस्या तो खुद ही हल हो जाती। ऐसे में तकरीबन 1207 से लेकर 1232 तक चंगेज खान के बेटे के नेतृत्व में चाइना पर मंगोलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। आइए अब जिक्र करते हैं द मोस्ट टेरिबल वैंडलिज्म हैपेंड इन ख्वारज्मिया डायनेस्टी। ख्वारज्मिया डायनेस्टी में हुई सबसे भयानक बर्बरता। दोस्तों 1219 से 1221 में पर्शिया के ख्वाजरमिया डायनेस्टी के साथ चंगेज खान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह थी चंगेज खान द्वारा भेजे गए
दो मंगोलों का सिर मुड़वाकर एक मुसलमान का सिर कलम कर मंगोलिया वापस भेज दिया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा अपमान था। तभी से इस डायनेस्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यहां चंगेज खान ने हमला किया, बीमार लोगों को गुलेल से शहरों में फेंक दिया जाता था, जिससे संक्रमण फैल जाता था। नदी का रुख मोड़ दिया गया। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, मर्द हो या औरत, हर इंसान का सिर कलम कर दिया जाता था। यहां तक कि जानवरों तक की जान ले ली गई थी उस पूरे के पूरे डायनेस्टी में। इसी तरह मंगोल ने रूस और हंगरी आदि यूरोप के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब हम बात करेंगे चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों बता दें कि चंगेज खान की मौत के कारणों को लेकर इतिहासकार आज तक एक साथ कभी नहीं हो पाए हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि चंगेज खान युद्ध के दौरान पैर में तीर लगकर घायल होने के कारण मारे, क्योंकि उनके शरीर में इंफेक्शन फैल गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी में यह दावा किया गया है कि चंगेज खान की मौत ब्यूबनिक प्लेग की वजह से हुई थी। चंगेज खान के परिवार और उनके समर्थकों को उनके निधन का सबसे बड़ा रहस्य बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंगेज खान की मौत चीन के पश्चिमी शिया के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। मंगोल सेना चंगेज खान के नेतृत्व में लगभग 20 साल से पश्चिम शिया के साथ जंग लड़ रही थी। यह भी कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम चीन में एक टिबेटो बर्मन जनजाति तांगुत की राजकुमारी ने चंगेज खान को छुरा घोंप दिया था, जिसके बाद शरीर में उनका ब्लड लॉस होने की वजह से सारा इंफेक्शन फैल गया और उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ ये भी दावा किया जाता है कि वो युद्ध के दौरान अपने घोड़े से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई। तो कई सारे रहस्य हैं। अब आप कौन से रहस्य को सच मानते हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब आइए एक और रहस्य की चर्चा करते हैं। चंगेज खान के कब्र का रहस्य। दोस्तों चंगेज खान की मृत्यु की तरह ही उनके कब्र की भी रहस्य बनी हुई है। दुनिया भर के राजा, महाराजा, सम्राट, सुल्तान, बादशाह अपने मरने के बाद भी मकबरों के शक्ल में अपनी निशानी दुनिया भर के लिए छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं 200 पुत्रों के पिता और पूरे इतने बड़े साम्राज्य के मालिक चंगेज खान की कब्र कहाँ है? है भी या नहीं, इस बात का पता किसी को नहीं है। इतिहासकार बताए हैं कि चंगेज खान ये नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई भी निशान बाकी रहे। इसी वजह से उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफना दिया जाए। चंगेज खान के साथियों ने अंतिम इच्छा जान उसके शव के साथ ऐसा ही किया। चंगेज खान को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया गया, यह कभी कोई कब्र यहां पर खुद ही नहीं थी। कब्र बनाने वाले से लेकर उसकी रक्षा करने वालों तक सभी के कत्ल कर दिए गए। चंगेज खान को आफ्टर लाइफ में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उसके साथ बहुत सारे हीरे, सोने और चांदी दफनाया गया था। साथ ही उसकी पत्नियों को भी दफनाया गया था। अब आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझते हैं। आज भी जिंदा है चंगेज खान के वंशज, और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तो नहीं हैं चंगेज खान के एक वंशज के उत्तराधिकारी? चलिए इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के स्टडी के अंदर ये प्रूफ मिले थे कि चंगेज खान का डीएनए आज भी लगभग 1.6 करोड़ पुरुषों में मौजूद है। लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पता चला है कि मंगोलिया साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% पुरुषों के
वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि वो चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं। इस रिसर्च के बेस पर बताया गया कि दुनिया में लगभग 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या में से 0.5% हिस्सा चंगेज खान के खानदान से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में 200 में से लगभग एक पुरुष चंगेज खान का वंशज हो सकता है। ये लोग रूस, चीन, पाकिस्तान के कई हिस्सों में रहते हैं। नॉलेज के लिए ये बता दें कि पाकिस्तान के हजारा समुदाय के लोग चंगेज खान के खानदान से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, चंगेज खान या जंजीज खान का ये बायोग्राफी आपको समझ में जरूर आया होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे हिस्ट्री का, जो शायद इतने डिटेल एनालिसिस में हमारे किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसे सुनकर। अगर आपके अपने अलग व्यूज हैं, कोई भी डिफरेंट व्यूज हैं, कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं। ये पूरा एपिसोड पेजेस फ्रॉम द हिस्ट्री जो हमारा सीरीज है उसकी नई श्रृंखला है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, नए टॉपिक्स लेकर आए, नई कहानियां लेकर आए, इतिहास के उन पन्नों को हम खोलें जहां पे आपका मन लगता है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक हम मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।